हेलो गाइस, आज हमने यहाँ पर मंगाया है फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज से यहाँ पर एक फोन जो कि यहाँ पर काफी यहाँ पर पॉपुलर है। और हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो फ्लिपकार्ट की सेल पर यहाँ पर ये 30,000 रुपए का मिल जाता आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, पर मुझे यहाँ पर फोन है उससे भी यहाँ पर सस्ता पड़ा है। फोन की यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो मुझे यहाँ पर 23,667 रुपए पड़ी है, मतलब 23,667 रुपीज यहाँ पर मुझे पड़ गया था। तो यहाँ पर ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। तो आज करेंगे इसकी हम अनबॉक्सिंग और बताएंगे आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है। और फर्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ आपके सामने, और हमारा फोन यहाँ से अब देखो निकल रहा है। और यहाँ पर जो फोन है उसका बॉक्स भाई कितना पतला है देखो, जैसे यहाँ पर एप्पल के आईफोन आते थे ना, और उसकी तरह यहाँ पर अब यहाँ पर सैमसंग ने कर दिया अपना फोन। और यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, और यहाँ पर सील लगी है फ्लिपकार्ट की यहाँ पर, और साथ यहाँ पर सैमसंग की सील है, दो तरह की यहाँ पर सील देखने को मिल जाएगी। और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 75,000 रुपीज, भाई देखो कितना महंगा मिलता है फोन ही जब लॉन्च हुआ था, अब यहाँ पर काफ़ी सस्ता हो गया है। सो भाई यहाँ से हम इसकी सील हटाने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट वाली, और ये हमारा भाई रिमूव हो गया, और यहाँ पर ये हमारा वॉइड लिखा गया है, और इसके यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा चार्ज देता है 150 रुपये इस सील के। अब करते हैं भाई हम फोन के यहाँ पर सील को ब्रोक, जो कि कंपनी की तरफ से आती है। सो गाइज, हमारी सील ओपन हो चुकी है और हमारा जो फ़ोन है फर्स्ट टाइम आपके सामने निकल रहा है देखो। और ये रहा भाई हमारा फ़ोन, फ़ोन भाई हमने मंगाया है वाइट कलर में, आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर ये लग रहा है। और फ़ोन यहाँ पर पूरा पोलोथिन में रैप है, और साथ में इसके जो हम देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज है, काफ़ी यहाँ पर चार्जर देता नहीं सैमसंग, बट आपको यहाँ पर केबल देखने को मिल जाती है इसकी, जाती है ओरिजिनल। और यहाँ पर जो केबल है वो यहाँ पर है Type-C to Type-C वाली, पीछे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर गाइड है। तो ये सभी आपको कॉम्प्लीट देखने को मिलेंगे जब भी आप अनबॉक्स करेंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को। तो भाई करते हैं हम जल्दी से इसको अनरैप अपने फ़ोन को, और दिखाते हैं हमको कैसा लगता है, काफ़ी लाइट वेट अभी फील हो रहा है ये भाई डिस्प्ले इसकी। और हमारा फाइनल फ़ोन भाई बाहर निकल चुका है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और इसके स्टिकर को निकालते हैं पीछे से, तो इसके यहाँ पर फुल आपको दिखने की ब्यूटीफुलनेस से भाई इसका पूरा यहाँ पर लुक ऐसे निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का। बैक से भाई काफ़ी खूबसूरत है, मेरी तरफ से यहाँ पर जो वाइट कलर है ना वो ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू बात करें ब्लैक के और ग्रीन के। और फ्रंट से कुछ ऐसा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट फोन है, आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा हाथ है कितना अच्छे तरीके से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, पूरा यहाँ पर टच हो जाता है। अब करते हैं इसको हम ऑन, और बात करें चलो इसके फिजिकल ओवरव्यू की। आपके यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है पूरी, मतलब आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन को, और आपके यहाँ पर ठंडा ठंडा फील हो रहा है देखो, काफ़ी अच्छा लगता है आपको हाथ में लेते ही पता लगेगा कि यहाँ पर ये फ़ोन है कितना प्रीमियम है। और आपको जो इसमें डिस्प्ले मिलती है भाई 2X AMOLED मिलती है, मतलब इसमें जो आपको कलर्स मिलने वाले हैं, इसमें HDR कैंडल वॉच करने वाले हैं, वो सब आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। और जो इसकी ब्राइटनेस है वो यहाँ पर खतरनाक देखने को मिलने वाली है। आपको इसमें मिल जाता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये आपके यहाँ पर आपका ऑयली हैंड हो या फिर आपका लिक्विड, मतलब आपके यहाँ पर वेट हैंड हो, उसमें यहाँ पर एक काम करता है, और कितना फास्ट है वो हम चेक करेंगे अभी। गाइस हमारा फोन यहाँ पर फाइनली चल चुका है, और देखने भाई कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे फील आ रही है। फील की बात करें तो फोन यहाँ पर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, साथ में बात करें वन हैंड की यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये फील देता है। और बात करें इसकी डिस्प्ले की भाई, डिस्प्ले भाई काफ़ी तगड़ी है इसका, आपके यहाँ पर एमोलेड की 2X देखने को मिलती है। और ब्राइटनेस भाई देख लो, इंडोर में भाई काफ़ी तगड़ी इसकी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, ये इसकी 50% ब्राइटनेस है, और जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आता था उससे आपके यहाँ पर डबल ब्राइटनेस देखने को मिलती है इंडोर में और आउटडोर में। सो देखते हैं फोन के अंदर में कौन सा यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है। और अभी हमारा जो फोन का यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G लिखा हुआ है। फोन मिल जाता है आपके यहाँ पर One UI 5.1 और Android 13 का सपोर्ट, और यहाँ पर ये Android 14, 15 and 16 का भी यहाँ पर आपको, सो आपका यहाँ पर 5 साल तक ये बिना किसी रुके चल सकता है, मतलब आपके यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर 5 साल का देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिला है, Android 16 तक देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर बात हो जाती है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G के लिए। आप यहाँ पर इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी कर सकते हैं। इसमें आपका डुअल स्पीकर देखने मिलेंगे, वो ही हम चेक करेंगे आगे कि कैसे वर्क करते हैं। 4-5 आपको 5 एंटीना देखने को मिलने वाली है इस फोन के अंदर। और फिंगरप्रिंट स्कैनर एक बार चेक कर लेते हैं इसका कितना फास्ट यहां पर वर्क करता है। और यहां पर लगाते ही हमारे अनलॉक हो गया, काफी फास्ट यहां पर तरीके से वर्क कर हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर। एक बार चेक कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो यहां पर कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सो गाइस फोन में आपको यहां पर एकदम ऑन करते ही फोन मिलती है आपको यहां पर 26.94 GB की इसमें यूज स्पेस है, और 128 GB की इसमें टोटल स्टेज है, और 8 GB की इसमें रैम मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पर UFS 3.1 मिल जाता है, जो कि इस फोन के यहाँ पर काफ़ी एकदम स्नैपी फील कराता है। तो चलाते हैं इसके हम YouTube और दिखाते हैं आपको कैसा परफॉर्म करता है। इसमें चलाएंगे हम 4K वीडियोज़,
और फोन मिल जाता है आपके यहाँ पर 120 हर्ट्ज की, इसमें एमोलेड स्क्रीन है पूरी है, मतलब 120 हर्ट्ज पर ही पूरा स्क्रॉल होता है। कोई यूट्यूब भी देखो 120 हर्ट्ज पे चल रहा है, और आपका फोन भी यहाँ पर 120 हर्ट्ज पे काफी चलता है। सो गाइज मैंने इसमें चला दिया यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले का एक सॉन्ग, फुल एच डी यहाँ पर प्ले होगा, और साथ में इसकी हम चेक करेंगे ऑडियो क्वालिटी कैसी है। फुल करता हूँ वॉल्यूम इसकी। सो गाइज मैंने इसकी ऑडियो सुनी, ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, डिस्प्ले भाई काफी वायरेंट है, पंच यहाँ पर शो कर रहा है अभी। तो ये हमारी डॉली विजन की वीडियो है, एक चलाते हैं इसको, और हमारी ये चल गई है, इसे करते हैं 4K पे। भाई क्या खूबसूरत डिस्प्ले है भाई, देखो इसकी यार। It's a gift of God that comes from the set of creatures. अभी हमारी ये 4K में चल रही वीडियो पूरी, और भाई डिस्प्ले की बात करूँ तो काफ़ी एकदम पंची कलर है भाई, एकदम काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। साथ में आपको यहाँ पर जो इसके वो मिले हैं ना, एकदम जो HDR कंटेंट है वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं। सो गाइस आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के जो कलर्स हैं ना उसमें कितना डिफरेंस है। ऊपर मेरे पास वन प्लस 11 आ रहा है, और नीचे यहाँ पर सैमसंग का डिस्प्ले मेरा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, उसमें आप कलर्स हैं भाई देखो कितने पंची यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, और इसका जो ब्लैक्स है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पर वन प्लस का भी ठीक है, बट यहाँ पर जो इसके नेचुरल कलर्स हैं साथ में जो इसके पंची कलर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे अपीलिंग लग रहे हैं। इसमें ब्लैक्स हैं ना वो काफ़ी डीप लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बात करें यहाँ पर वन प्लस के, जबकि यहाँ पर ब्राइटनेस यहाँ पर दोनों की लगभग फुल की हुई है। जैसे कि यहाँ पर फ्लावर है, फ्लावर आपको यहाँ पर दोनों में अच्छे दिख रहा होगा, पर सैमसंग में जो कलर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। दोनों में आपको एमोलेड मिल जाती है, पर सैमसंग में आपको यहाँ पर 2x एमोलेड डायनेमिक देखने को मिलती है। एक मैंने यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर दिया तो आपको पता लगेगा इसकी ऑडियो क्वालिटी का, थोड़ा वोकल्स हैं उसके अंदर, सुनिए एक बार। ये फुल वॉल्यूम है इसकी। तो गैस मैंने इसके अंदर डाल ली यहाँ पर जियो सिम की स्पीड, जो कि हमारी 5G का सपोर्ट करती है, और यहाँ पर फोन भी हमारा 5G है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा फोन यहाँ पर कितनी स्पीड अचीव कर पाता है। इस फोन के अंदर जाते हैं सारे बैंड जो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, और यहाँ स्पीड भाई काफ़ी अच्छी आ रही है, 300 यहाँ पर पहुँच गया है, 500 करीब यहाँ पर हाई स्पीड आ रही है इसकी मतलब। सो 5G का मतलब भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये इसका परफॉर्म करेगा, मतलब हर जगह आपके यहाँ पर नेटवर्क मिल जाएंगे 5G के, और स्पीड भी आपके यहाँ पर अच्छी देखने मिलती है 5G की। सो गाइज अब दिखाता हूँ मुझे फोन यहाँ पर कैसे पड़ा 23,000 रुपीज़ का मतलब। तो यहाँ पर जो फोन की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पर जो फोन है यहाँ पर आपका 32,000 रुपीज़ का आराम से मिल रहा है, ठीक है। ये मेरा वाइट कलर है जो मैंने मंगाया था, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। अभी आप इसके यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो मुझे यहाँ पर 23,400 रुपीज़ दिख रही है, वो कैसे पड़ रही है चेक कर सकते हैं। 75,000 रुपीज़ का यहाँ पर फोन लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, और उसमें 43,000 का डिस्काउंट मिल गया था आते ही मतलब, ठीक है। और 32,000 का पर फ्लिपकार्ट मिल रहा था, 2,000 रुपीज़ का मुझे HDFC का कार्ड डिस्काउंट मिला है। फिर यहाँ पर जो फोन की वैल्यू थी एक्सचेंज वाली मेरी रेडमी नोट 8 प्रो की, वहाँ पर 6,600 रुपीज़ मुझे मिल गई थी, और यहाँ पर कुछ एक्सचेंज पिकअप लग गया था, तो फाइनल जो प्राइस मुझे पड़ा है 23,667 रुपीज़ मुझे फाइनल प्राइस पड़ा है। उससे सर बताऊँ तो प्राइस के मामले में भाई काफ़ी सही प्राइस में मुझे मिल गया था, इससे अच्छी डील मुझे यहाँ पर हो ही नहीं सकती है। 23,000 की रेंज में ऐसा कोई फ़ोन आता नहीं है जिस फोन के यहाँ पर कैमरे को बीट कर सके, डिस्प्ले को बीट कर सके, और साथ में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी उसको बीट कर सके। अभी हम यहाँ पर एक फीचर आपको एंजॉय करते हैं, मतलब कि जो फोन है ना यहाँ पर एक अपने प्रीमियम फीचर के साथ आता है, जैसे कि समझ आती है आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर। तो मैं फ़ोन रखता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर एक गैलेक्सी वॉच 4, इसे हम लगाते हैं चार्जिंग पे, और देखो यहाँ पर इसने अपनी चार्जिंग है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एक कुछ ऐसा फीचर देखने मिल जाएगा। सो गाइस ये फोन है यहाँ पर जो कैमरा सपोर्ट करता है, अपने 3 कैमरा आते हैं इसके अंदर, एक आता है इसमें 12 MP का आता है जो काफ़ी अच्छे यहाँ पर फोटोज लेता है। सेकंड आपका यहाँ पर मिल जाता है टेलीफोटो लेंस, वो मिलता है आपको यहाँ पर 8 MP का। फिर मिलता है इसमें आपको अल्ट्रा वाइड, वो भी आपको मिल जाता है 12 MP का, और यहाँ पर ये सपोर्ट करता है भाई काफ़ी अच्छे फोटोज़ एंड वीडियोज़। आपके यहाँ पर फुल HD मिल जाती है, और 4K मिल जाती है आपको 60 FPS फ्रंट एंड बैक में। सो अब चेक करते हैं इसकी हम वीडियो क्वालिटी एंड इसकी फोटोज़ क्वालिटी यहाँ पर कैसी परफॉर्म करता है। मेरे सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाएगा कि यहाँ पर इसकी क्वालिटी वो कैसी आती है वीडियोस के अंदर। और फिर आता है आपके इसमें आपका 1x जो कि मेन कैमरा है, फिर आपका इसका 3x जो कि इसका यहाँ पर जो थर्ड कैमरा है टेलीफोटो, उसमें यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इसमें आप फर्दर भी जूम कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा 5.5x, फिर आता है इसमें 12x तक यहाँ पर जूम करता है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं गाड़ी के नंबर को। और अपने वन प्लस से पढ़ना चाहूँ तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा वो ब्लर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको कोई भी टेलीफोटो देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर जो कैमरा है फ़ोन का उसमें आपको टेलीफोटो देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर एक क्लियरली विजिबल है। और ये हो गया हमारा क्लिक फर्स्ट फोटो, अब करते हैं हम मेन कैमरा पे। ये हो गया हमारा मेन कैमरे से 12 MP, अब आते हैं हम टेलीफोटो पे जो कि हमारा 8 MP का है। और ये हो गया हमारे टेलीफोटो, अब करते हैं पोर्ट्रेट चेक। सही है, पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पर 1x मिल जाएगा, फिर मिलता है आपको यहाँ पर 3x का ऑप्शन, और इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। सो 3x पे हो गया आपका पोर्ट्रेट हो गया। और वीडियोस हम थोड़ा चेक कर लेते हैं वीडियोस कैसी बनाता है ये। सो गाइज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G के रियर कैमरा से 4K 60 FPS में, देखो कैसे यहाँ पर आ रही है। सो मेरे पास यहाँ पर 11 आ रहा है, तो कैसा कुछ यहाँ पर देता है डे लाइट यहाँ पर ये वीडियो कैमरा क्वालिटी है, और कुछ इसका यहाँ पर कैसा इंटरफेस है, ठीक है। और इसे कुछ कैमरा ऐसा परफॉर्म करता है आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा हम जूम की बात कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पर ये 4K में है, तो 4K में आपको ज़्यादा जूम देखने को नहीं मिलेगी, आप सिर्फ यहाँ पर डिजिटल जूम कर सकते हैं 10x तक। सो कुछ इस तरीके का शिफ्ट हो जाएगा फ्रंट फेसिंग कैमरा में। और अभी मेरे यहाँ पर व्लॉग चल रहा है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये 4K में ही रिकॉर्ड करेगा अपनी वीडियो को। और आई होप जो आप मेरी वीडियो ऑडियो है ना वो अच्छी आ रही होगी, और जो व्लॉग है ना वो कैसा बन रहा है आप मुझे बता सकते हैं मेन कैमरा से, वो भी Full HD 30 FPS में। और इसके अंदर आपको यहाँ पर स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली आप रिकॉर्ड करेंगे तो। अब यहाँ पर मेन कैमरे में मैं इसको करता हूँ वाइड एंगल में, और यहाँ पर एक कंटिन्यूसली वाइड एंगल में शिफ्ट हो गया है बिना इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करे हुए। और कितना यहाँ पर कैप्चर कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 3x में, ये हो गया हमारा 3x में जो कि हमारा आता है टेलीफोटो लेंस। और क्वालिटी देख लो कैसी आ रही है, ये बंदा कैसा लग रहा है, कितना स्मार्ट बंदा है, देखो यार बॉडी परसेंटेज देखो, शादी के लिए भेज दो फोटो उसके लिए जल्दी से, घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब है भाई इसके पास। ये गाड़ी देखो इसकी, और घर देखो भाई कितना मंजिल, कितना ऊंचा घर है, अंबानी घर फैला है इस घर का यार, इतना तगड़ा घर मारा इसने, एंटीलिया ना दिया इसने, एंटीलिया 2.0। और करते हैं इसको मैक्स जूम, कितना आता है, और टेलीफोटो भाई काफ़ी अच्छा काम करता है इसका, ठीक है। और जूम करते हैं तो गाड़ी के नंबर पढ़ते हैं, पढ़ता नहीं पड़ता ये 3x, और 3x से फर्दर जाते हैं तो उसने टेलीफोटो भी शिफ्ट कर लिया, और ये हो गया हमारा 12x तक। गाड़ी का नंबर काफ़ी सीधे के साथ पढ़ सकते हैं, और ये पूरा उसका हो गया अल्ट्रा वाइड पे। सो कुछ तरीके आपके यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलने वाली है इसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के साथ। आप देखते हैं इसकी फोकस कैसी है, ये गया फास्ट में, ये गया मैं पास, और यहाँ पर इसकी फोकस चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर फोकस आ रही है ये। और यहाँ पर कुछ फूल हैं, जहाँ पर कलर्स हैं ना काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्लोज नेचुरल यहाँ पर ही दिखा रहा है। सो गाइस यहाँ पर ये है अल्ट्रा वाइड का कैमरा है इसका, आप चेक कर सकते हैं कि डिटेलिंग कितनी अच्छी यहाँ पर आ रही है। अब आते हैं हम 1x पे जो कि इसका मेन कैमरा है 12 MP का, उसमें भी आपको यहाँ पर अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। अब आता है इसके यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर आता है इसके यहाँ पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर हमने 1x में लिया है। फिर आता है नेक्स्ट इसके यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो कि 3x पे होता है, बहुत कमाल के यहाँ पर पोर्ट्रेट देता है, एकदम DSLR लाइक आपके यहाँ पर फोटो देखने को मिलने वाली है। ब्लर इफेक्ट देखो, साथ में इसका आप एज डिटेक्शन देखो, लोग इसके यहाँ पर जब परचेज करेंगे इस फोन को वो इसके यहाँ पर टेलीफोटो पोर्ट्रेट मोड के लिए परचेज करेंगे, तो कुछ इस तरीके आपके यहाँ पर क्वालिटी मिलने वाली है। यहाँ पर इसे कुछ क्लोज ऑब्जेक्ट थे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने से यहाँ पर इसके क्लोज ऑब्जेक्ट की फोटो आती है। ये हमारे कुछ क्लोज फोटोज हैं 3x से, आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में ब्लर इफेक्ट नहीं है एक में, और हमारे कुछ यहाँ पर 3x से दोबारा फोटोज लिए हैं, एक लैपटॉप का फोटो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ रहा है। फिर आता है हमारा इंडोर का नेक्स्ट फोटो, उसमें आप कलर देख सकते हैं कलर कितने अच्छे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं 1+ के फोन के, और साथ में एक कछुआ भी है। ये कुछ यहाँ पर क्लोज फोटोज हैं, फोकस के साथ आप चेक कर सकते हैं कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर One UI 5.1 का एक ये फायदा है कि इसमें आप यहाँ पर गूगल डायर देखने को नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है सैमसंग का डायलर जो कि यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग को हमारा सपोर्ट करता है। अब यहाँ से आपके कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है बिना किसी को बताए हुए, ये मैं स्टॉप कर दूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है। सो हमारा जो भाई स्कोर आया है वो है यहाँ पर 5,02,144, और इसका टेम्परेचर मैक्स गया था 42.6°C, और जो बैटरी ड्रॉप हुई है वो है भाई 5%। रस की स्पीड काफ़ी अच्छी है, मतलब स्पीड में कोई कमी नहीं है, UFS 3.1 है, तो इसके अंदर 52,000 यहाँ पर इसका स्कोर निकल के आया है, कुछ काम करेगा। अब प्ले करते हैं इसमें कुछ गेम और दिखाते हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। S49 प्ले कर लेते हैं हम,
सो गाइस गेमिंग आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके देखने को मिलने वाली है। आप यहाँ पर कैजुअल गेम कर सकते हैं, मतलब कभी कभार आप गेम खेल लेंगे यहाँ पर खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। सो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, ये फ़ोन किसे लेना चाहिए। सो मुझे फ़ोन सेल में काफ़ी अच्छे प्राइस मिल गया था, सो 23,667 रुपीज़ से मुझे फ़ोन मिल गया था, तो मेरे लिए पूरी जो वैल्यू है इसकी जस्टिफाई है, मैं इसे काम चला सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। मैं समय पर कभी कभी इसमें गेमिंग करूँगा जो हल्की फुल्की मैं करता हूँ, वैसे करता भी नहीं हूँ, बस मैं जो ज़्यादा चलाता हूँ वो इसका भाई सोशल मीडिया, और साथ में बात करें इसका कैमरा, कैमरा भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बैटरी बैक की बात करें तो मेरे यहाँ पर काम चल जाएगा ठीक ठाक, मैं ज़्यादा यहाँ पर इस फ़ोन को हैवी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और साथ में जो चार्जिंग है, तो चार्जिंग इसके यहाँ पर लेती है करीब 1 घंटा 10 मिनट के अंदर जो फ़ोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा। सो बात करते हैं फ़ोन किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आप एक हैवी गेमर है तो इसकी तरफ बिल्कुल मत जाना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर एक नॉर्मल यूज़र हैं, एक कैजुअल गेमर हैं, और मतलब कभी कभी इस फ़ोन के यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, इन सब चीज़ों के यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इस फ़ोन की तरफ वो जा सकते हैं, आपके यहाँ पर काम चल जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।